हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, अगर आपके पास कोई एयरटेल का सिम कार्ड है और आपका इंटरनेट कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो आज के इस वीडियो में आपको वन ऑफ द बेस्ट एपिन सेटिंग बताया हूँ, जिसका यूज करके आप अपने इंटरनेट स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर लेंगे। एंड साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप कोई भी ऑनलाइन गेम खेलेंगे तो वहाँ पर आपको पिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में चले जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का एक ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका सिम कार्ड जो भी स्लॉट में होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद आपको एक एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे जो भी आपने एपीएन सेट किया होगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सो आपको यहाँ पर प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है या फिर एक नीचे न्यू एपीएन का बटन दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म भरने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपका इंटरनेट स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो नेम वाला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको लिखना है स्पीड, आपको दोस्तों ध्यान से सेम टू सेम टाइप करना है। स्पीड लिखने के बाद आपको यहाँ पर अंडरस्कोर लगाना है। देन आपको यहाँ पर लिखना है मैक्स, आपको ध्यान रहे मैक्स का सभी लेटर कैपिटल में होना चाहिए। देन आपको वापस से यहाँ पर अंडरस्कोर लगाना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर लिखना है एयरटेल। दोस्तों, आपको सेम टू सेम यहाँ पर टाइप करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको जो एपीएन वाला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर लिखना है 5G। दोस्तों, 5G का यहाँ पर जी स्मॉल लेटर में रहेगा। देन आपको यहाँ पर लिखना है coach.airtel, आपको सेम टू सेम टाइप करना है। नीचे आएंगे प्रॉक्सी को नॉट सेट, पोर्ट को आपको वैसे ही छोड़ देना है। यूजर नेम में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है एयरटेल स्पेस इंडिया। देन पासवर्ड को नॉट सेट छोड़ देना है। सर्वर में आपको क्लिक करना है www.google.com। उसके बाद से और नीचे आएंगे, MMSC को नॉट सेट, MMS प्रॉक्सी को भी नॉट सेट, MMS पोर्ट को भी नॉट सेट। MCC एंड MNC आपके फ़ोन में ऑलरेडी सेट होंगे तो वही रहने दीजिएगा। ऑथेंटिकेशन टाइप में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर PAP वाला जो ऑप्शन मिलेगा इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको APN टाइप का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है डिफ़ॉल्ट। देन आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद से लिखना है SUPL। उसके बाद से नीचे आएंगे APN प्रोटोकॉल में IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक बियरर का ऑप्शन मिलेगा, अगर यहाँ पर आपका नॉट स्पेसिफाइड है तो इसको हटाकर LTE को सिलेक्ट कीजिए। देन और नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर HSDPA। और नीचे आना है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा 1XRTT। देन और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको NR या फिर IWLAN का, तो आपको यहाँ पर सिंपल किसी एक को बीर को सिलेक्ट करना है। देन बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहाँ पर आपका APN जो है सक्सेसफुली सेट हो चुका है। MNO टाइप को आपको नन पर सेट रखना है। उसके बाद से इस APN को यहाँ से सेव कर लेना है। जैसे सेव करेंगे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो APN को एक्टिवेट करने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में ये वाला APN सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, APN सेटिंग एक्टिवेट होने के बाद आपके फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट जरूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।